कर हमारे नगर निगम कमिश्नर जी का स्वागत, उनके साथ आए सभी अधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं। केशव जी, मुकेश बंसल जी, मैं बस दो मिनट और लूंगा। क्लीन ग्वालियर और ग्रीन ग्वालियर का जो ये वो है, मुझे यहां पर कमिश्नर साहब बैठ, शुरुआती जो मुझे जो सहायता कमिश्नर साहब ने की है वो किसी ने नहीं की, के लिए आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कमिश्नर साहब के लिए एक बार जोरदार ताली लगाएं। एक बार जोरदार ताली आशीष तिवारी जी के लिए बना दें, क्योंकि इन्होंने हमें ये मौका दिया यहाँ पर। हम कलेक्ट्रेट की पूरी पहाड़ी पर वृक्षारोपण कर उसके संरक्षण की जिम्मेदारी लेते हैं, अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तिवारी जी। खत्म करेंगे, इसके बाद वृक्षारोपण के सीए चलेंगे। कमिश्नर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो सिर्फ क्लीन ग्वालियर पर दो बातें जनसमूह कहें, जिससे कि हमारे स्वच्छता में हमारा नंबर इस बार और अच्छा है। हम 13 तारीख को एक कार्यक्रम भी करेंगे इसके आगम के लिए। हमारा ग्वालियर अभी आवाज में कम नहीं आ रहा है, हमारे स्टेज पे बैठे तो लोग बोल ही रहे हैं हमारा ग्वालियर, पीछे से भी आवाज दी आ रही है जोर से, पुलिस वाले जितने लोग वो भी जोर से, आप लोग भी जोर से, हमारा ग्वालियर। अभी दम नहीं आ रहे यहाँ से, तो कोई बोल ही नहीं, हाथ के साथ जोश के साथ हमारा ग्वालियर। वकील साहब आप जाइए, एक बार हमारा ग्वालियर। साथियों, ये आवाज इतनी गूंजनी चाहिए आपके अंदर से कि आप जहां भी जाएं स्वच्छता का नारा दें। और स्वच्छता के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने घर से शुरुआत करें। आप लोग देखिए, वेरी गुड, तालियां। स्वच्छता के लिए सबसे पहले शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। सूखा कचरा, गीला कचरा सेग्रेगेट कीजिए और गाड़ी में भी ऐसी डालिए। आपने देखा होगा कि नगर निगम की टीम भी अब इसमें कई जगह पे बोलती होगी आपको कि यदि सूखा गीला कचरा नहीं दिया तो हम नहीं खाएंगे। शुरुआत हो गई है और हम इस प्रयास में तब तक सफल नहीं होंगे जब तक आप लोग और हम लोग एक साथ मिलकर प्रयास नहीं करेंगे। तो मिलकर ही काम करना है साथियों। तो हमें न केवल ग्वालियर को स्वच्छ रखना है, ग्रीन भी बनाना है। तो ये अभियान जो चल रहा है ग्रीन ग्वालियर क्लीन ग्वालियर। सर, ग्रीन ग्वालियर क्लीन ग्वालियर के बारे में क्या बताना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा अभियान है। हम लोग खुद चाहते हैं कि ग्वालियर जो है ग्रीन रहे और क्लीन रहे। आप लोग देख ही रहे हैं कि स्वच्छता को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। अभी जो हमारा कचरा 400 टन जाता था लैंडफिल साइड, अब 600 टन जाता है। तो जगह जगह से जहाँ भी कचरा दिख रहा है उठा के वो लैंडफिल साइड दे रहे हैं और उसको सेग्रेट भी करवा रहे हैं। घर से ही सोर्स से ही सेग्रेशन हो और जो रह जाता है उसको फिर अपन लैंडफिल साइड में सेग्रेट करते हैं। तो बड़ा अभियान है। और जो हमारा ग्रीन ग्वालियर का जो कॉन्सेप्ट है, हम चाहते हैं ग्वालियर में, चूँकि आपने देखा हो कि यहाँ पे पत्थर है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो जितना ज़्यादा यहाँ पे प्लांटेशन होगा उतना ज़्यादा यहाँ का एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहेगा, यहाँ का टेम्परेचर भी अच्छा रहेगा। तो एक सतत प्रयास है और हमारे जो ग्वालियर के फेफड़े के तहत जो अभियान चलाते हैं, हमने देखा है जब मैं सीओ जिला पंचायत था तब भी हम लोगों ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया था, अभी नगर निगम में तो भी काफ़ी सपोर्ट किया जाता है। अंकुर अभियान के तहत भी हम लोग जगह जगह पर प्लांटेशन कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में कम से कम एक पौधा लगाए और उसको मेंटेन करे। आपके द्वारा ग्वालियर की जनता के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पहले से दे रखा है ग्रीन ग्वालियर क्लीन ग्वालियर, स्वच्छता को लेकर यही कहूँगा कि घर घर से आप लोग सेग्रीगेशन वाला जो कचरा है वही दीजिए, सूखा गीला, सेफ्टी पैड्स और अपना जो हमारे यहाँ पे वही आप वाहनों में डालिए जो कचरा वाहन होते हैं। इंश्योर करें कि कोई व्यक्ति यदि कचरा फैलाता है तो आप रोको टोको अभियान का हिस्सा बनिए, उसको रोकिए, उसको टोकिए। आपको लगता है कि नहीं मानता तो फाइन करने के लिए नगर निगम टीम को बोलिए। नगर निगम टीम न केवल फाइन करेगी, कुछ केसेस में दुकानें सील भी करेगी और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज कराएगी। हम चाहते हैं कि हम सभी लोग दिल से जुड़े, स्वच्छता अभियान में से भी जुड़े और ग्रीन करने वाले अभियान में भी जुड़े। ग्रीन का वही चीज़ ऐसे बोल रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति, सपोज ग्वालियर में आज लगभग 350 घर है, 350 घर में आप सोचिए एक एक प्लांट और लग जाए तो हमारे 3.5 लाख प्लांट लग जाएंगे। 3 साल पहले के आसपास ग्वालियर में एक स्टडी हुई थी जिसमें 4.76 लाख पौधे बताए गए थे यहाँ पे प्लांट्स, मतलब पेड़ हैं। आप सोचिए यदि उसमें हम 3.5 लाख पौधे और ऐड कर दें तो हमारी ग्वालियर का एनवायरनमेंट कितना और अच्छा हो जाएगा और उससे हमारा डस्ट भी पोल्यूशन भी कम होता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और हमारे को अच्छा दिखता है। हमने खुद नगर निगम के माध्यम से हम लोग जितने भी हमारे डिवाइडर्स हैं हमने बोला है कि उसकी थोड़ी हाइट बढ़ाई जाए और उसमें रेलिंग लगाई जाए ताकि हमारा जो कई मत कुछ पशु जो होते हैं उसको खा जाते हैं वो ना। प्लस आने वाले समय में हमारी कोशिश ये है कि ग्वालियर फ्लोरिंग वाला सिटी भी दिखे, फ्लोरिंग हो, तो जो
जो हमारे तिराए हैं, चुराए हैं, डिवाइडर्स वाले एरियाज हैं, हम उस पर भी प्लान कर रहे हैं। तो आइडिया यही है कि हम ग्वालियर को डस्ट फ्री जोन बनाएं। डस्ट फ्री जोन के लिए रोड के तौर पर पेविंग हम लोग लगा रहे हैं, पेविंग ब्लॉक्स लगा रहे हैं। जहाँ पे जगह उपलब्ध है वहाँ पर हम प्लांट लगाना चाहते हैं और फ्लोरिंग करना चाहते हैं। सो लेट्स मेक दिस ग्वालियर बीच। फ्लोरिंग के लिए नगर निगम की तरफ से पेड़ उपलब्ध कराए जाएंगे या हमारे यहाँ से भी उपलब्ध कराए जाते हैं? हम अपने कंसेशनरेट भी देने को तैयार हैं। देखिए प्लांटेशन तो इतनी अच्छी चीज़ होती है, यदि कोई व्यक्ति 50 रुपये 100 रुपये का पौधा आता है कोई व्यक्ति खर्च कर सकता है। और मैं तो एक चीज़ बोलूँगा कि लोग खरीदें, क्योंकि जो चीज़ फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती, इसलिए आप चीज़ खरीदें। आप 500 रुपये का भी पौधा ले सकते हैं, आप 100 रुपये का पौधा ले सकते हैं। अभी ग्वालियर में एक नई नर्सरी आई है, उसमें एक पेड़ ऐसा है जिसकी जो कॉस्ट है 35 लाख रुपये। कुछ पौधे उनके पास ऐसे जिनकी जो कॉस्ट है 1 लाख 2 लाख 3 लाख। तो कई लोग शौकिया तौर पर भी रखते हैं, बट हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसको अपना हिस्सा बनाएं। आप जरूरी है कि आप जो इतना बड़ा महंगा पौधा लें, आप तो जो ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स होते हैं उसको लगाएं, फ्लावरिंग वाले लगाएं, आप मनी प्लांट लगाएं। तो ये चीज़ें ऐसी तो अच्छी भी लगती हैं। चंडीगढ़ में मैं पिछले कुछ सालों पहले एक बार गया था, तो वहाँ पर मुझे बताया गया कि हर घर में प्लांट है, और जब मैंने इसको वास्तव में ऑब्जर्व किया तो वास्तव में मुझे दिखा। तो लेट अस मेक दिस। अभी जब आपके भी यदि आपको स्विट्जरलैंड में या फॉरेन कंट्री में कई जगह जाना मिलेगा, तो वहाँ पे हर घर के बाहर कुछ फ्लावर्स नजर आएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें अच्छा लगता है, जहाँ पे फ्लावरिंग होती है, ग्रीनरी होती है, मन बहुत अच्छा लगता है, शांत होता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आपकी लाइफ जो लॉन्गिविटी बढ़ जाती है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लेट्स ट्राई और ग्वालियर को जो अपन ग्रीन बनाएं और क्लीन बनाएं, इसी आशा के साथ सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार ग्वालियर, मैं शाहनवाज और आप देख रहे हैं लोकनाथ, और इस समय हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय पे, कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे जहां एक ग्वालियर के फेफड़े संस्था द्वारा एक पौधरोपण का एक कार्यक्रम रखा गया है। ज़्यादा जानकारी आप हम जानते हैं, हमारे बीच में है ग्वालियर के फेफड़े संस्था के अध्यक्ष ब्रजराज जी। क्या कार्यक्रम है आज, किस तरीके का कार्यक्रम? जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी का कल जन्मदिन है, और शिवराज सिंह चौहान प्रकृति के लिए वन प्लांट डे का कार्यक्रम, एक कैंपेन चलाते हैं। किसी भी हाल में जहाँ भी हों, तो किसी भी परिस्थिति में हों, वो एक वृक्ष प्रतिदिन लगा रहे हैं। उन्हीं के उपक्रम में जिला प्रशासन ने हमसे संपर्क किया था कि क्या आप भी वृक्ष लगा सकते हैं, तो हमने अपनी सहमति दी और अपनी पूरी टीम के साथ आज यहाँ पर आए हुए हैं, और उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या के अवसर पर वृक्ष लगा के एक संदेश इस ग्वालियर नगर को देना चाहते हैं कि जिस तरह से आपके प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी रोज़ एक वृक्ष लगाते हैं और उनका पालन पोषण होता है, उसी तरीके से पूरा नगर भी इस तरह के कार्य में लिप्त हो तो हमारा पर्यावरण बहुत तेज़ी से सुधरेगा। कितने पौधे को लक्ष्य रखा है आपने? आज 101 वृक्ष लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप जगह देख रहे हैं उसे व्यवस्थित करके करीबन 251 वृक्ष टोटल इस पूरे क्षेत्र में लगाए जाएंगे पीछे। जैसा कि हम जानते हैं कि आपने लक्ष्य रखा हुआ है पेड़ लगाने का शायद 20 लाख, तो अभी तक कितने पौधे आप लगा चुके हैं ग्वालियर शहर में और कहां कहां किन किन जगहों? देखिए 9 महीने हुए हैं हमारे अभियान को चालू हुए, और इन 9 महीनों में हमने अभी तक 2100 वृक्ष लगाए हैं, जिसमें कि मुख्यतः सिद्धेश्वर मंदिर पर 501 वृक्ष लगे हैं। टीकमगढ़ में एक सराउंडेड कॉम्प्लेक्स था, उसके अंदर 200 वृक्ष लगाए थे। लाल टिपारा पे 100 वृक्ष लगे हैं, सिरोल पहाड़ी पे 100 वृक्ष लगे हैं, खनेता पे 100 वृक्ष लगे हैं। इस तरह से हमारा सिंधिया पार्क है, इसमें 100 वृक्ष लगे हैं। इस तरह से हमने अभी तक 2100 वृक्ष लगाए हैं, आज 2200 वृक्ष पूरे हो जाएंगे। और हमारा जो 20 लाख का संकल्प है, उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं कि हमारे पास में कवर्ड जगह नहीं है जहां पर कि हम लगा के संरक्षित कर सकें। तो अभियान प्रयासरत है, जैसे जैसे प्रयास कर रहे हैं, जैसे जैसे हमें अच्छी जगह मिलेंगी वैसे वैसे हम इसको पूर्ण करेंगे। एक बार लोकनाथ आपसे जानना चाहेगा तिगरा कैचमेंट एरिया के बारे में, तिगरा कैचमेंट में जो आपने एक लक्ष्य रखा वो क्या स्थिति है वहाँ और क्यों ये लक्ष्य आपने? देखिए जैसे कि हमारे अभियान की पंचलाइन है कि हमें इस अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस अभियान की ज़रूरत सिर्फ एक वजह से पड़ी कि पिछले 30 सालों में हमारे नगर का जो बरसात का औसत है, वर्षा का, वो कम होते जा रहा है। वर्षा के औसत कम होने का मुख्य कारण है जंगल जो हैं वो नष्ट हुए हैं प्राकृतिक और गैर प्राकृतिक कारणों की वजह से। तो तिगरा कैचमेंट में हम वृक्ष लगाएंगे तो बरसात होगी तो तिगरा कैचमेंट का पानी तिगरा के अंदर आएगा, बांध भरेगा, तो नगर को पीने को पानी मिलेगा। मैं एक मुख्य बात आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारा जो पर्यावरण है उसमें गर्मी बढ़ती जा रही है, और गर्मी बढ़ने की वजह से हम राजस्थान जो रेगिस्तान है
वो भरतपुर होते हुए हमारे पास ही आ रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस अभियान का समर्थन नगर के लोग करें और बारिश को बढ़ाएं, जिससे हमारे पर्यावरण में हमारा तापमान कम होगा। तापमान कम होगा तो ये नगर रहने लायक रहेगा। सर क्या कहना चाहेंगे संस्था के लिए? ग्वालियर के फेफड़े संस्था है जो है, उसके द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, ये निश्चित रूप से बहुत सराहनीय अभियान है। और इनके द्वारा जैसा मुझे बताया गया कि 20 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती भी है इनके लिए और एक बहुत ऐसा कार्य भी है जिससे कि समाज को भी काफ़ी मदद मिलेगी और लोग भी इससे काफ़ी प्रेरणा लेकर ये लोग भी जब लगाएंगे तो निश्चित रूप से जो अभियान चल रहा है, जो सीएम माननीय सीएम साहब के द्वारा चलाया जाता है कि डेली एक पौधा लगाया जाए, निश्चित रूप से इससे बहुत मदद मिलेगी। मेरी तरफ से इस पूरे ग्रुप को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है, निश्चित रूप से इसमें बहुत सफलता मिलेगी। क्या संदेश आप देना चाहते हैं सर ग्वालियर को? मैं यही कहूँगा कि जो जिस तरह से ये सस्ता कर रही है, उसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में स्वयं प्रेरणा लेते हुए और कम से कम एक पेड़ एक दिन में नहीं तो 7 दिन में 7 दिन में नहीं तो 15 दिन में अपनी सुविधानुसार पेड़ लगा रहे जरूर लगाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। धन्यवाद। हम साथ दे सकते हैं जन तन मन धन से, उनका साथ हमें चाहिए। आज हमको इस कार्यक्रम में मुझे आपने आमंत्रित किया, बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। समय की थोड़ी पाबंदी है, मुझे न्यायालय जाना है। मैं हमारे राय साहब और माननीय संचालन कर रहे हमारे भाई साहब से माफ़ी चाहूँगा कि आज मैं भानु प्रताप सिंह चौहान एडवोकेट हूँ। ग्वालियर के फेफड़े अभियान, जो तिगरा कैचमेंट में 20 लाख वृक्षों का वृक्षारोपण करने हेतु संकल्पबद्ध है, उस अभियान से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा लक्ष्य है कि जो ग्वालियर की बारिश कम हुई है, ग्वालियर का जल स्तर कम हुआ है, ये सब सुधरे ताकि हमारी पीढ़ियाँ भविष्य में पानी के लिए पलायन ना करें। धन्यवाद। क्या नाम है? मैं सामाजिक कमल, मैं ग्वालियर के फेफड़े की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। शिवराज जी के जन्मदिन पर जो हम पौधरोपण कर रहे हैं, उसके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, आपको सुना के आपके माध्यम से पहुंचाता हूं। समझ लिया शिवराज जी ने इस जीवन का सार, प्रतिदिन रोपो एक वृक्ष, सुख वैभव मिले अपार, सुख वैभव मिले अपार, हरियाली होती सुखदाई, वृक्ष लगाने हेतु ग्वालियर के फेफड़े आगे हैं भाई। तो जैसा कि ग्वालियर के फेफड़े माने हमारे इस कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा इफेक्ट फेफड़े हुए, तो उन फेफड़ों को बचाने के लिए एक देवयोग से एक हमारे दिमाग में आया और हम लोगों ने आप देख रहे हैं लोकनाथ, जनता की आवाज़।